शुरुआत सीएम योगी के सोनभद्र दौरे के साथ करते हैं। यहां वो जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही सीएम सोनभद्र को 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी आज देने वाले हैं। सीएम का सोनभद्र का दौरा सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा केवल जनविश्वास यात्रा में शामिल होने भर का नहीं है, बल्कि सोनभद्र सुरक्षित सीट की सियासत से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सोनभद्र में आज सीएम एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नजर प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर है। पिछले दिनों मायावती ने सुरक्षित सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया था, आपको याद होगा, जिसके तहत पिछले कई दिनों से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के सुरक्षित विधानसभा सीटों पर ही रैलियां और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल जुटाने में लगे हुए हैं। आपको यह भी हम बता दें कि सोनभद्र की दो विधानसभाएं अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों में आती हैं और इसीलिए सीएम योगी का आज का सोनभद्र का दौरा सुरक्षित सीटों की राजनीति में भाजपा का अहम कदम माना जा रहा है। क्या कुछ होना है यहां पर, वो भी जानकारियां आपको हम लगातार दे रहे हैं। हाइलाइट्स क्या कुछ रहने वाली है आज सोनभद्र में। 4 विधानसभा सीटें हैं, आप समझिए यहां के गणित को भी, जिसमें से 2 विधानसभा की सीटें घोरावल और रॉबर्ट्सगंज सामान्य है, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें उबरा और दुद्धी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 2017 में भाजपा ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन की अपना दल ने जीत दर्ज की थी। और इस तरह जिले के 4 विधानसभा सीटों को एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। और एक बार फिर से चुनौती ये बड़ी है कि इसी जीत को 2017 वाली जीत को यहां पर दोहराना होगा 2022 में। सीएम का सोनभद्र का दौरा कब कब वो कहां कहां जाएंगे, उनका पूरा कार्यक्रम क्या है, वो भी तफसील से आपको हम समझा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों से जुड़ेंगे भी। 1:55 पर हेलीपैड से हाइडल मैदान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 से 3 बजे कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभाएं भी उनकी होनी है। 2 से 3 बजे का ये वक्त है। 3:05 पर हाइडल मैदान से हेलीपैड रवाना हो जाएंगे, ये उनका आज का सोनभद्र का पूरा कार्यक्रम है। 3:10 पर हेलीपैड से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। 3:10 का वक्त है जब लखनऊ उनकी वापसी होगी। 1:50 पर हेलीपैड हाइडल मैदान रॉबर्ट्सगंज पहुंचेंगे और उसके बाद लगातार सिलसिलेवार तरीके से उनके कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। कई योजनाओं की सौगात भी वो सोनभद्र को आज देने वाले हैं। लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी होगा, जनसभाएं भी की जाएंगी। जनसभा में क्या कुछ कहते हैं, कैसे हुंकार भरते हैं, इस पर लगातार नजर है। अब सुरक्षित सीटों की ताकत कितनी है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो भी जरा आपको समझा देते हैं। जिसकी बढ़त उसकी ही सरकार। जी हाँ, 1991 का चुनाव आपको बता रहे हैं, 90 सीट भाजपा को, 53 सीट सरकार भाजपा की बनी, 90 में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गईं तो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद 2007 के चुनाव की बात कीजिए, 89 सीट यहां पर, और बसपा को 62 सीट मिली, सरकार बनी बसपा की। सुरक्षित सीट जिसके पास ज्यादा होती है सरकार उत्तर प्रदेश में उसी की ही बनती है। 2012 चुनाव की बात कर लीजिए, 85 सीटें सुरक्षित, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 58 सीटें गईं और सरकार में आई समाजवादी पार्टी।